किशनगंज थाना पुलिस ने शोरूम से कपड़े और रुपए चोरी करने के आरोप में दो चोरों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि 26 मई को हरिभा उपाध्याय नगर स्थित जोकि शोरूम में गेट तोड़कर महंगे कपड़े और 25,000 रुपए चोरी की रिपोर्ट दुकान मालिक ने दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध व्यक्ति को मित्तल अस्पताल के सामने से हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने जोकि शोरूम में चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उदयपुर हाल वैशाली नगर निवासी धनराज और धन्ना और उसका साथी वीरू को गिरफ्तार कर चोरी गए माल की जाँच शुरू कर चुके हैं। दिनांक 26/5/2019 को मित्तल हॉस्पिटल के पास में एक कपड़े के शोरूम पे चोरी हुई थी। इस पर लगातार शहर में हो रही चोरियों और उनका नकबजनियों का खुलासा करते हुए एसपी साहब के निर्देशानुसार सरिता सिंह एडिशनल एसपी सिटी के निर्देशन में थाना अजय की टीम ने प्रयास करके उस शोरूम में हुई चोरी जिन मुलजिम द्वारा की गई धन्नालाल उर्फ धनराज और वीरू को गिरफ्तार करके उनको न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय से पेश करके दो दिन का उनका पुलिस कस्टडी प्राप्त की गई है और उनसे शोरूम में चोरी गई माल मसरूका और जो पैसे की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं की जाएगी। चूंकि ये दिन रात कबाड़ बीनने का काम करते हैं तो आसपास की जो भी छोटी चोरियाँ या दुकानों में चोरियाँ इनके द्वारा की जाना प्रतीत होता है तो इनसे पूछताछ करके अन्य चोरियों का भी खुलासा किया जाएगा। ये रात के समय और इसमें जो दुकानों के आसपास दुकानों के ताले तोड़कर उसमें जो सामान चोरी करने का ये वारदात करते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।